हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। सो क्वेश्चंस जो है पीवाईक्यूज वो सीरीज कर रहे हैं, साथ की साथ में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो यूजीसी नेट एजुकेशन से हैं उनको भी कवर करवाने की ट्राई कर रही हूँ। सो ये 13th वीडियो है क्वेश्चंस के ऊपर, पीवाईक्यूज के ऊपर, क्योंकि हम कॉन्सेप्ट के साथ डिस्कस कर रहे हैं। दूसरी बात ये कि बीच में मैंने कुछ एक वीडियोज जो है वो फिलोसफीज की कॉन्टिन्यूटी में अपलोड करने की ट्राई की। सो वो रीजन सिर्फ इतना सा है कि वो इंपॉर्टेंट है। सो जितने भी फिलोसफीज मैंने अपलोड किए हैं उनको एक बार देख के जाइएगा एग्जाम देने, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे हम ऐसे पैनिक कर जाते हैं ना कि अच्छा फिलोसफीज तो मैंने कवर ही नहीं की हैं। सो वो फीलिंग आपको नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा। और उससे वो इसलिए भी कवर कराए क्योंकि प्रीवियस ईयर में कॉन्टिन्यूटी में वो चीजें देखने को मिली मुझे। तो जब कॉन्टिन्यूटी में मैं वहां पे कॉन्सेप्ट में बार बार डिस्कस करती, इससे बेटर है कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पहले ही कवर हो जाए। ठीक है जी। सो आज के क्वेश्चंस शुरू करते हैं। एन इन्वेस्टिगेटर कमिट्स टाइप टू एरर व्हेन ही और शी इज। सो टाइप वन और टाइप टू, ये दो टाइप की एरर जो है वो हमने पढ़ी हैं। एक आधे जो एजुकेशनिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग हमने टाइप थ्री एरर होती है वो भी मैंने आपको करवा रखी। तो जो हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस, अल्टरनेट, ये सारी चीजें और एरर्स जो है वो मैं करवा चुकी हूँ। ठीक है। सो ये क्वेश्चन आपका गलत होना नहीं चाहिए। तो इसमें चार ऑप्शंस हैं कि एक बार आप रिजेक्ट कर देते हैं नल हाइपोथेसिस को जब वो सही है, ट्रू, या फिर आप एक्सेप्ट कर लेते हैं नल हाइपोथेसिस को जब वो सही है। सो जब कोई चीज ट्रू है और आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ये चीज तो ठीक है, यानी ये तो ऑप्शन जो है वो नहीं होगा, कोई भी टाइप की एरर इसमें हुई ही नहीं। जो जो चीज सही है वो आपने एक्सेप्ट कर ली। फिर है रिजेक्ट कर दिया आपने नल हाइपोथेसिस को जब वो गलत थी, यानी कोई चीज गलत थी और आपने रिजेक्ट कर दिया। सो ये पॉइंट भी लॉजिकली सही बैठता है। सो ये भी कोई एरर नहीं होनी चाहिए, राइट? फिर आपने एक्सेप्ट कर लिया जो कि गलत था। सो दो चीजें हैं कि या तो जब गलत हो रहा है आप उसको सच मान ले, ठीक है, या रिजेक्ट कर दें, जो सच है उसको रिजेक्ट कर दें, और एक है जो गलत है उसको एक्सेप्ट कर लें। ठीक है। सो आप ये ध्यान रखिए कि टाइप वन एरर क्या होगी, टाइप टू एरर क्या होगी। सो आप इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको कि जो सबसे ऊपर होगी यानी टाइप वन एरर होगी वो भी गलती है, लेकिन टाइप टू एरर क्या है, थोड़ी सी उससे भी ज्यादा गलती है। ठीक है। सो जो वन है उसमें क्या कर रहे हैं, जो चीज सही है हमने उसको भी रिजेक्ट कर दिया। सो ये गलती है हमारी, राइट? तो ये टाइप वन एरर हो जाएगी। लेकिन जो चीज गलत है और उसको एक्सेप्ट कर लिया तो ये ज्यादा बड़ी गलती हो गई ना, सो वो टाइप टू एरर हो जाएगी। सो इसका आंसर जो है वो डी हो जाएगा। आई होप आपको याद करने का तरीका समझ आया होगा कि एक वन है कि चलो ठीक है गलती हो गई, लेकिन दूसरी बार और भी बड़ी गलती हो गई। तो वो और भी बड़ी गलती क्या होगी, जब आप गलत चीज को एक्सेप्ट कर लें। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वुड यू एज अ टीचर आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स विद माइल्ड लर्निंग इम्पेयरमेंट। तो कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे लर्निंग इम्पेयरमेंट को। एक ऑप्शन, ये चार ऑप्शन में से फर्स्ट है, लर्नर कीप्स हैंड नियर हिज और हर ईयर व्हेन यू स्पीक टू हिम, कि जब आप उससे बात करना चाह रहे हैं तो वो कान के पास हाथ रख के या आपकी साइड झुक के थोड़ा बात करे ताकि उसको सुनाई दे जाए, या आंखों को स्क्वीज करे कि उसको कुछ समझ नहीं आ रहा, या फिर वो रिस्पॉन्ड ही ना करे जब तक कोई बुला नहीं रहा। तो देखिए ये ऑप्शन हमें दिख रहे होंगे कि हियरिंग इम्पेयरमेंट के हैं, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें लर्निंग इम्पेयरमेंट दे रखा है। सो ये क्वेश्चन ही जो अपने आप में गड़बड़ी या गलत लगा लीजिए, इस वजह से ये क्वेश्चन आपको हर जगह स्टार मार्क मिलेगा, यानी कि इसके क्वेश्चन के जो है वो या तो मार्क्स मिले या जो भी रीजन रहा हो। सो ये क्वेश्चन ही अपने आप में गड़बड़ है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ऑल्दो हमें अटेम्प्ट करके ही आना है, तो अगर हम माइल्ड अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट सोच के भी इसको करें तो फर्स्ट थ्री ज्यादा बेटर लग रहे हैं, क्योंकि माइल्ड हियरिंग इंपेयरमेंट है तो उसको सुन तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो सुनेगा, ऐसा नहीं उसको बिल्कुल ना सुनाई दे रहा हो तब तक कोई बताए ना, वो अलग चीज है। तो हम कुछ ना कुछ तो अटेम्प्ट करके ही आएंगे, तो बेटर है ये वाला कर दें। ठीक है। बट ये क्वेश्चन ही अपने आप में गलत है। अ टीचर इंटेंड्स टू कंडक्ट रेमिडियल क्लासेस फॉर सम स्टूडेंट्स हु आर नॉट रिस्पॉन्डिंग सेटिस्फैक्टरली। सो टीचर रेमिडियल क्लासेस जो है वो रख रहे हैं किसके लिए, जो बच्चे अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे कि टीचर सेटिस्फाई हो जाए। ठीक है। सो ये किस तरीके के इवेल्युएशन की बात हो रही है, शी और ही वुड अंडरटेक फॉर चूजिंग स्टूडेंट्स फॉर हिज और हर रेमिडियल क्लासेस। सो रेमिडियल क्लासेस के लिए वो किस तरीके की इवेल्युएशन को जो है करेंगे, तो कौन सी इवेल्युएशन होगी, समेटिव इवेल्युएशन, डायग्नोस्टिक असेसमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड इवेल्युएशन। सो एक तरीके से डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन होगी कि वो डायग्नोस करके ये देखेंगे कि किस बच्चे को जरूरत है रेमेडियल क्लासेस की और किसको नहीं है। ठीक है। सो बी जो है वो सही आंसर होगा। अ टीचर एजुकेटर ऑफर्स इमीडिएट कमेंट्स इन द फॉलोइंग फॉर्म फॉर क्लासरूम बिहेवियर एज बीइंग प्रैक्टिस्ड बाय द स्टूडेंट टीचर। नो, यू शुड डू इट रादर दिस वे।
दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ. सो जब एक स्टूडेंट टीचर प्रैक्टिस के लिए पढ़ा रहा है तो उस टाइम पे टीचर एजुकेटर जो है वो बोले कि नहीं आपको इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है. सो वो क्या होगा, ये किस तरीके का फीडबैक है, नेगेटिव फीडबैक है, करेक्टिव फीडबैक है, पॉजिटिव फीडबैक है और इवेल्युएटिव फीडबैक. सो ये एक तरीके से करेक्टिव फीडबैक है, वो ना तो नेगेटिव उसको बोल रहे हैं ना उन्होंने पॉजिटिव कुछ बोला है, वो एक तरीके से क्या है उसको बता रहे हैं कि आपको इस तरीके से करना चाहिए, ठीक है, आप इसको ऐसे नहीं ऐसे भी कर सकते हैं. सो वो करेक्ट कर रहे हैं उसको. सो बी जो है वो सही आंसर होगा. कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फेस टू फेस एंड ट्रेडिशनल क्लासरूम मेथड्स विद ई लर्निंग. तो फेस टू फेस और ट्रेडिशनल क्लासरूम को आप ई लर्निंग के साथ हाइब्रिड अप्रोच अपना रहे हैं, तो ये किस तरीके की लर्निंग है, डिस्टेंस लर्निंग, ब्लेंडेड लर्निंग, सिंक्रोनस लर्निंग, असिंक्रोनस लर्निंग. सो ये आंसर जो है वो ब्लेंडेड रहेगा क्योंकि आपने ट्रेडिशनल और ई मतलब टेक्नोलॉजी को मर्ज किया है, हाइब्रिड अप्रोच आप अपना रहे, तो आपने ब्लेंड कर दिया चीजों को. डिस्टेंस लर्निंग तो वैसे ही दूर से डिस्टेंस वाइज डिस्टेंस मतलब आप आना जाना आपका नहीं है, वहां पे रेगुलर नहीं जा रहे हैं आप, तो वो एक डिस्टेंस के थ्रू आप लर्न कर रहे हैं. सिंक्रोनस और असिंक्रोनस लर्निंग जो है उसमें क्या डिफरेंस होता है ये आप कमेंट करके बताएंगे, और कमेंट आप तभी करेंगे तब या तो आपको आता है या फिर आप एक बार पढ़ेंगे उस टॉपिक को. सो ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए. सो ये सी और डी जो है आप मुझे बताएंगे क्या होता है, और ये जो ए नहीं बी आंसर है इसका ब्लेंडेड लर्निंग ये जो है आंसर हो जाएगा. डिसएडवांटेजेस ऑफ बॉटम अप अप्रोच ऑफ बजटिंग आर दैट द बजट. अब हमें डिसएडवांटेज बताने हैं बॉटम अप अप्रोच के, उससे पहले आपको पता होना चाहिए बॉटम अप अप्रोच होता क्या है. सो बॉटम अप अप्रोच मतलब दो एक हायरार्की होती है ना, तो उस हायरार्की में आप नीचे से चीजों को शुरू कर रहे हैं, नीचे से शुरू करके ऊपर तक वो चीजें बन रही हैं. तो जब आप बजट बनाए, सो जो मान लीजिए आपने घर का बजट बनाना है, तो घर के बजट में जो मान लो किचन का बजट है या बाकी एसेसरीज हैं, सो आप जो बंदा किचन में काम करता है उससे भी तो एक बार सलाह लेंगे ना. सो इट्स लाइक दैट कि बिल्कुल बॉटम से शुरू करके अब तक अप्रोच लेके जाना. सो इट मे नॉट बी सिंक्रोनस विद ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. सो जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में इस तरीके की चीजें बन रही है तो वो हो सकता है सिंक्रोनस में ना होना, मतलब सबके अलग मतलब ऑब्जेक्टिव से ही अलग हो जाए आपका बजट. कि आप ऑब्जेक्टिव में मान लो सरकार का बजट बनना है या स्कूल का बजट बनना है, सो उसमें क्या है कि आप इंपॉर्टेंस तो एजुकेशन को दे रहे हैं लेकिन बजट नहीं मिल रहा है. सो ऑब्जेक्टिव्स जो फोकस करना चाह रहे हैं उसके ऊपर आप फाइनेंस वाइज फोकस नहीं कर रहे, तो ये गड़बड़ हो जाएगा. इट विल बी मोर रियलिस्टिक. रियलिस्टिक होगा तो अगर रियलिस्टिक होगा तो वो डिसएडवांटेज कैसे हो सकता है, ठीक है. सो ये तो नहीं होगा. कैन बी क्वाइट एक्यूरेट, तो अगर एक्यूरेट हो जाएगा तो वो भी डिसएडवांटेज नहीं होगा. प्रिपरेशन में भी स्लो. सो क्योंकि आप नीचे से लेके ऊपर तक सब लोगों को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो वो डिसएडवांटेज हो जाएगा कि स्लो हो जाएगा प्रोसेस, और दूसरा जो है वो सिंक्रोनस ना हो ऐसा भी पॉसिबल है. सो ए और डी यानी कि सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा. करिकुलम चेंज एनविसेजेस विच ऑफ द फॉलोइंग. तो करिकुलम चेंज में क्या क्या चीजें चेंज होंगी ये बताइए. सो चेंज इन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, जब आप करिकुलम चेंज कर रहे हैं, कॉन्टेंट में चेंज होना, इंफ्रास्ट्रक्चर चेंज होना, मेथड ऑफ टीचिंग, इवेल्युएशन प्रोसेस. सो करिकुलम में इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं नहीं आता ना, करिकुलम में तो पढ़ने से पढ़ाने से रिलेटेड चीजें आती हैं कि क्या कॉन्टेंट होगा, क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव होंगे, कैसे आप पढ़ाएंगे, कैसे आप इवेल्युएट करेंगे. सो चार ऑप्शन हमें यहाँ सही दिख रहे हैं, उन चार में से सी को हटा दीजिए, यानी कि ये वाला डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी. नेक्स्ट है प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ टीचर एजुकेशन इज नीडेड टू, यानी टीचर एजुकेशन को प्रोफेशनलाइज करना मतलब क्यों है, क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है, ठीक है. सो किस चीज के लिए जरूरत है, एनरिच टीचर्स नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट बीइंग टॉट. सो टीचर की नॉलेज एनहेंस हो जाएगी उससे, शार्प हो जाएंगी टीचिंग स्किल्स क्लासरूम में, जनरेट एंड कॉन्ट्रीब्यूट न्यू नॉलेज फॉर द प्रोफेशन, या ट्रेन करेगा स्टूडेंट्स को टेक सेवी होने के लिए यानी टेक्नोलॉजी में प्रो हो जाएंगे वो, या हेल्प करेगा टीचर्स को कोचिंग सेंटर्स ओपन करने में. तो देखिए टीचर एजुकेशन को जब आप प्रोफेशनलाइज कर रहे हैं तो उसका कोचिंग सेंटर से तो कोई लेना देना नहीं, और स्टूडेंट को टेक सेवी बनाने से भी कोई लेना देना नहीं है. सो लॉजिकली अगर ये दोनों गलत हो गए तो बाकी तीन सही आंसर है. लेकिन अगर हम वैसे भी देखें तो टीचर की नॉलेज अगर एनहेंस हो रही तो वो टीचर एजुकेशन में ही तो होगी ना, कि टीचर को पढ़ाया जा रहा है, स्किल शार्प हो रही है कि कैसे पढ़ाना है, नई नॉलेज या अपडेट हो रहे हैं आप चीजों से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नई नॉलेज से रिलेटेड. सो ए बी और सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ए जो है इसका सही आंसर होगा. विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करिकुलम चेंज, जब आप करिकुलम को चेंज करते हैं तो कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे, ग्रोथ इन नॉलेज
ये भी अफेक्ट करेगा, टेक्नोलॉजी अगर चेंज हो रही है तो भी करिकुलम चेंज में चेंज हो जाएंगे, इन्फ्लुएंस करेंगी चीजें, नीड एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल की जो पढ़ रहे हैं या जो लोग हैं उनकी एस्पिरेशंस क्या है और जरूरतें क्या हैं, सो वो चीजें भी इन्फ्लुएंस करेंगी, तभी आप देखेंगे ना कि नीड क्या है और करिकुलम में क्या डाला जाना चाहिए। ठीक है, सो इन्होंने तीन ही आंसर बोले हैं, सो ये तीन आंसर बेटर लग रहे हैं। जॉब प्लेसमेंट का करिकुलम चेंज से कोई लेना देना नहीं है, टीचर्स कॉम्पिटेंट हैं या नहीं, अवेलेबल हैं या नहीं, सो आप करिकुलम बेटर बनाने पे तो पहले फोकस करेंगे ना, उसके बाद टीचर्स कॉम्पिटेंसी का या चीजों को देखेंगे। सो वो ए बी और सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, यानी ये, सो बी सही आंसर होगा। इन टू सेट्स गिवन बिलो, सेट वन मेंशंस सम ऑफ इवोल्यूट्स ऑफ प्रकृति, व्हाइल सेट टू इंडिकेट्स देयर नेचर एंड फंक्शन इन टर्म्स ऑफ सांख्य फिलोसफी। सो अगर आपने सांख्य फिलोसफी की वीडियो देखी है तो आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वहां मैंने ये चीजें कवर की हैं। तो सांख्य फिलोसफी में हमने पढ़ा है, जब इवोल्यूशन पढ़ा था, कि पुरुष होता है, प्रकृति होता है, उनसे मिलकर महत बनता है फर्स्ट प्रोडक्ट, सेकेंड प्रोडक्ट फिर अहंकार होता है, फिर मनस होता है, और फिर बाकी के सटल एसेंसेस या और जो हमने ग्रोस बॉडीज या सेंस ऑर्गन्स पढ़े थे वो। ठीक है, अब हमें मैच करना है इनके नेचर और फंक्शन से। सो महत मैंने आपको बताया था कि कॉस्मिक होता है नेचर में और साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट होता है ये। ठीक है, सो फर्स्ट का जो है वो सेकंड आ जाएगा, अगर फर्स्ट का सेकंड है तो एक चीज हमें पता है, उससे ही हमारा क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया देखा जाए तो। ईगो और अहंकार, यानी एक प्रिंसिपल है इंडिविजुएशन का, यानी आप खुद के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, सेल्फ की सेंस को ज्यादा जनरेट करना चाह रहे हैं आप, तो सेकंड का जो है वो थर्ड हो जाएगा। ठीक है, मनस, मन की बात करें तो वो एक सटल है, सेंट्रल सेंस ऑर्गन है, जो क्योंकि हमने सेंस ऑर्गन में यहाँ पे छह पढ़े थे अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, सो उनमें माइंड भी हमने एक चीज पढ़ी थी, जो कि सिंथेसाइज करेगा सेंस डाटा इनटू डिटरमिनेट परसेप्शन। सो एक परसेप्शन बनाने में आपकी हेल्प कौन करता है, माइंड करता है, और डी बच गया, तो ये ना क्वालिटीज है ना ही, दीज आर नीदर द क्वालिटीज नोर द डिफरेंशिया ऑफ ग्रोस एलिमेंट्स नोर द फंक्शंस। सो ये डी का ये हो जाएगा, यानी इसका आंसर जो है वो सी हो जाएगा। सो आई होप आप लोगों को ये समझ आए होंगे, कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट करके बता दीजिएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बी हैप्पी एंड कीप स्माइलिंग।